तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटैक्स जो है वो लिंग्विस्टिक की इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन को या सेंटेंस अरेंजमेंट को। सिंटैक्स का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है सिंटैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो के सेंटेंस बना रहे हैं, या अरेंजमेंट ऑफ फ्रेजेस जो सेंटेंस बना रहे हैं, या फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो फ्रेजेस बना रहे हैं। वर्ड्स मिलके फ्रेजेस बनाएंगे, फ्रेजेस मिलके सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंटैक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो किन रूल्स, किन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कंबाइन हुए, उनको ऑर्डर क्या था, उन वर्ड्स में रिलेशनशिप क्या था, और उसके बाद वो वर्ड्स जो मिलके सेंटेंस बना रहे हैं उस वो सेंटेंस जो है वो क्या मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किन वर्ड्स से मिलके बना है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। टू स्टडी सेंटेंस फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंटैक्स, या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करना सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स ग्रामर की सब फील्ड है। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बाय विच सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज है उसमें सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, नाउन पहले आता है या वर्ब पहले आता है, या प्रोनाउन बाद में आता है या वर्ब बाद में आता है, तो सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको बनाने के लिए वर्ड्स कंबाइन हुए हैं उनको स्टडी करना, ठीक है, वो सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। सिंटैक्स में हम बेसिकली सिंटैक्स जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो तमाम रूल्स और प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन से रूल्स, कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं, उसको हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं। सिंटैक्स डिस्क्राइब करता है कि वर्ड्स को किस तरह एक सेंटेंस के अंदर रखा गया है, वो वर्ड्स किस तरह कंबाइन हुए हैं, हाउ दोज वर्ड्स हैव बीन पुट टुगेदर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करना या प्रिंसिपल्स को स्टडी करना या दोनों चीज़ों को स्टडी करना किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, उसको सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स के हवाले से नॉम चॉम्स्की जो है उसने अपनी बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स में ये बताया है कि लैंग्वेज बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ सेंटेंसेस। लैंग्वेज जो है वो सेंटेंसेस का सेट है, और वो सेंटेंसेस जो हैं वो दे कुड बी लेंथी, और वो सेंटेंसेस एलिमेंट्स से मिलके बने हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स। मार्टिन ग्रे ने क्या कहा, जस्ट मार्टिन ग्रे जो है उसने अपनी बुक अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में ये लिखा। उसने सिंटैक्स को इस तरह डिफाइन किया कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन देयर अप्रोप्रिएट फॉर्म्स एंड प्रॉपर ऑर्डर। वर्ड्स की अरेंजमेंट उनके प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर ऑर्डर में, जिससे एक सेंटेंस बन रहा है, यानी वो अरेंजमेंट प्रॉपर मीनिंग भी प्रोवाइड करिए। आप वर्ड्स को उनके प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर ऑर्डर में रखो, अरेंज करो, ताकि आपको एक प्रॉपर मीनिंग मिल सके। गुडमैन ने सिंटैक्स को ये डिफरेंट डेफिनेशंस है बाय डिफरेंट लिंग्विस्ट्स। गुडमैन ने कहा सिंटैक्स के बारे में, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इनटू मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। जो सिंटैक्स है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है इनटू मीनिंगफुल स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स सो ऑर्गेनाइज्ड, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इनटू, आप लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करो उसके मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में, या फिर ये उसका पैटर्न बनाओ जो रिलेशनशिप बताए वर्ड्स के दरमियान। फ्रॉमकिन और रॉबर्ट रोडमैन ने ये कहा कि सिंटैक्स जो है वो पार्ट ऑफ ग्रामर है जो रिप्रेजेंट करता है स्पीकर के नॉलेज ऑफ सेंटेंसेस को।
कि वो सेंटेंसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस की। तो सिंटैक्स जो है वो बेसिकली ग्रामर का वो पार्ट है जो स्पीकर के नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। सिंटैक्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम सिंटैक्स में हम फंक्शन ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हैं, उसमें हम फंक्शन ऑफ फ्रेजेस को पढ़ते हैं, उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ एंड आप यू कर लो कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ फ्रेज को पढ़ते हैं। आपको पता लग जाता है कि वर्ड ऑर्डर जो है वो ठीक है कि नहीं है। सिंटैक्स को पढ़ने का बेसिकली यही मकसद होता है कि आप वर्ड्स को फ्रेजेस में कंबाइन करो और कंबाइन वो फ्रेजेस आगे से कंबाइन होके सेंटेंसेस बनाएं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, अ गर्ल इन द गार्डन, एक लड़की इन द गार्डन, ये हो गया है फ्रेज। लेकिन अगर आप ये कहो आई सॉ अ गर्ल इन द गार्डन, कि मैंने एक लड़की गार्डन में देखी, तो ये बन जाता है सेंटेंस, अ गर्ल इन द गार्डन, एक लड़की गार्डन में, आई सॉ अ गर्ल इन द गार्डन, ये हो जाएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम फ्रेजेस को स्टडी करते हैं और कैसे फ्रेजेस मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, या फिर हम करेक्टनेस ऑफ वर्ड देखते हैं कि कौन सा वर्ड करेक्टली अपने ऑर्डर में लिखा गया है या रखा गया है। सारा एट बनानास, सारा नाउन है, एट वर्ब है, बनानास यहाँ पे है नाउन, लेकिन क्या है हमारे पास नाउन जिसको सारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है, एट वर्ब है, बनानास एज ऑब्जेक्ट है। तो सारा एट बनानास, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ऑब्जेक्ट रख दें, फिर वर्ब रखें और लास्ट पे सब्जेक्ट रखें, जैसे बनानास एट सारा, कि बनानास ने सारा को खाया, ऐसा नहीं होता, ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर सिंटेक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है, क्यों ज़रूरी होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन मीनिंग्स। जैसे ही सेज व्हाट ही मीन्स व्हाट ही सेज, सेम वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग। ही सेज व्हाट ही मीन्स, कि वो कहता है जो मकसद उसका कहने का मकसद है, व्हाट ही मीन्स, कि जो उसको बोलना होता है वो कहता है। ही मीन्स What he says, और वो जो कहता है he means, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है what he says, जो भी वो कहता है। तो ये क्या है, ये words की arrangement आगे पीछे हुई है, words तो same है but arrangement आगे पीछे हो गई है, लेकिन arrangement आगे पीछे होने की वजह से meaning totally change हो चुका है। फिर सिंटेक्स जो है वो बेसिकली ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी किया जाता है, इसमें कि सेंटेंस का ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या है। रूल्स ऑफ सिंटेक्स हेल्प टू स्पेसिफाई द ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स ऑफ अ सेंटेंस सच एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए सिंटेक्स को स्टडी किया जाता है। इट मेक्स makes it clear who is doing what to whom, कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ये सिंटेक्स बताता है हमें कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या काम कर रहा है। माई डॉग चेस्ड योर कैट, कि मेरे डॉग ने तुम्हारी कैट को, तुम्हारी बिल्ली को चेस किया। योर कैट चेस्ड माई डॉग, कि तुम्हारी बिल्ली ने मेरे कुत्ते को या मेरे डॉग को चेस किया। पीछा करना, चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर दिया है, पहले डॉग था तो अब सेकंड सेंटेंस में माय डॉग, मेरा जो डॉग है, चेज्ड योर कैट, उसने तुम्हारी बिल्ली को, यानी बिल्ली तुम्हारी है, अब आगे कि तुम्हारी बिल्ली ने मेरे डॉग को चेज किया। तो यहाँ पे वर्ड चेंज होने की वजह से ग्रामेटिकल रिलेशनशिप चेंज हो गया है। फिर सिंटेक्स क्यों ज़रूरी होता है, सिंटेक्स जो है वो ज़रूरी होता है सेंटेंस को एडहेयर करने के लिए, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो वर्ड्स उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, वो वर्ड्स उनमें एडहेरेंस है कि नहीं है। बेसिकली सेंटेंस में जब हम सेंटेंस को स्टडी करते हैं तो हम उसमें कोहेरेंस देखते हैं, कोहेशन देखते हैं, कि जो आया, जो लिखा जा रहा है वो जो मीनिंग प्रोवाइड करे, क्या जो लिखा जा रहा है मीनिंग जो वो प्रोवाइड करे दोनों स्ट्रांगली रिलेटेड हैं कि नहीं हैं, दोनों सेम थीम्स प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं।
आप ये कहो कि सेंटेंस कोई और है, कोई और लव्ज लिखे गए हैं और थीम वो कोई और प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें कोहेरेंस और कोहेशन तो होगी नहीं, वो वर्ड्स तो एडहेयर करेंगे नहीं। आप वर्ड्स को लिखें, कंबाइन करें, मगर थीम वो कुछ और प्रोवाइड करें और आप लिखना कुछ और चाह रहे हों, तो वहाँ पर आ जाती है गड़बड़। वो सेंटेंस उसमें कोहेरेंस और कोहेशन मौजूद ही नहीं होती। द बॉय फाउंड वॉट, अब यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिखा आगे, द बॉय फाउंड, ये इनकम्प्लीट है। अब जब तक आप इसके साथ या तो वर्ब ना लगाएं या फिर एडवर्ब या नाउन कुछ भी ना लगाएं ना, तब तक वर्ब के बाद कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस। द बॉय तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, फाउंड हो गया हमारे पास वर्ब, तो ये सेंटेंस फिलहाल इनकम्प्लीट है जब तक कि आप इसके साथ नाउन या एडवर्ब नहीं लगाएं। तो सिंटेक्स बेसिकली ये चीज़ को स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं। सिंटेक्स में क्या चीज़ स्टडी करते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, आया जो सेंटेंस लिखा गया है फुल स्टॉप लग के वो ख़त्म हो गया सेंटेंस, क्या वो करेक्ट सेंटेंस है कि नहीं, क्या वो प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं या इनकम्प्लीट सेंटेंस है। द बॉय फाउंड, अगर आप इसके साथ क्विकली लगा देते हैं, क्विकली एक एडवर्ब है तो लड़के ने जल्दी ढूंढ लिया, तब भी सेंटेंस जो है वो क्या है, वो कंप्लीट हो जाता है। या अगर आप इसके साथ एक नाउन लगा देते हैं इस वर्ब के साथ, द बॉय फाउंड द बॉल, तो अब यहाँ पे नाउन लगा है या ऑब्जेक्ट लगा है, तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वो इनकम्प्लीट सेंटेंस जो द बॉय फाउंड था वो अब हो चुका है हमारे पास कंप्लीट, द बॉय फाउंड द बॉल। फिर नेक्स्ट हमने स्टडी किया सिंटेक्स को, सिंटेक्स एज अ स्टडी ऑफ सेंटेंस। सिंटेक्स जो है वो स्टडी ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंसेस में हम सेंटेंसेस को कैसे कह सकते हैं, सेंटेंसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेन ऑफ वर्ड्स नहीं है, उसमें क्लॉजेस भी आ सकते हैं, उसमें लेक्सिकल आइटम्स आ सकती हैं, उसमें फ्रेजेस आ सकते हैं, तो वो मिलके सारे मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस। अब सिंटेक्स को स्टडी करने के लिए उसकी डिफरेंट क्लासेस बन सकती हैं, बन जाती हैं। सबसे पहली क्लास जो है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं, उसमें हमारे पास लेक्सिकल पार्ट ऑफ स्पीच भी आ जाता है, ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच भी आ जाता है। लेक्सिकल पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सब आते हैं। मैंने इनके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दी है लेक्सिकल पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर कि नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। आप मेरी चैनल की ग्रामेटिकल पोर्शन में जाके ये वीडियोस को सर्च करें, इन वीडियोस को देखें, आपको नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स डिटेल फॉर्म में लेक्चर बना चुकी हूँ, आपको उनकी तब समझ आएगी इनकी जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे। फिर आ जाता है ग्रामेटिकल पार्ट। ग्रामेटिकल पार्ट में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल्स, जिनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस। ये होते हैं ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच। इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर जाके आप इनको देख लें। फिर आ जाता है फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। हम सेंटेक्स में फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस को भी देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसकी फॉर्म में पहला आता है फ्रेजेस, दूसरा आता है क्लॉजेस। फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आप जाके देख लें। अगर नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सबके, आप उनको वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके बाद सेकेंड जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, यानी कि फॉर्म ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। सेंटेंस मिलके बनता है फ्रेजेस से, क्लॉजेस से, या फिर न्यूक्लियस जिसको हम हेड कहते हैं। इस हेड में हमारे पास नाउन फ्रेज भी आ सकता है जो कि डिटरमिन कर रहा होता है पूरे सेंटेंस को। इस हेड में हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी आ सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, या वर्ब फ्रेज भी आ सकता है जो कि हेड ऑफ द सेंटेंस है, जिससे पूरे का पूरा फ्रेज या पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो क्या हो रहा है, बेसिकली फ्रेज के ये पार्ट है, न्यूक्लियस, मॉडिफायर और सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन, ये फ्रेज के पार्ट हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है हेड ऑफ फ्रेज, जिससे पूरे का पूरा फ्रेज डिटर्मिन हो रहा है। वो बताता है हमारे हमें कि ये
नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है, तो वो होता है न्यूक्लियस या हेड ऑफ दैट फ्रेज। फिर आता है मॉडिफायर। मॉडिफायर जो है वो मॉडिफाई करता है उस हेड को। अगर हमारे पास है द डॉग, तो द डॉग में द जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा डिटर्मिनर जो के मॉडिफाई करेगा डॉग को। तो मॉडिफायर को डिटर्मिनर भी कहते हैं। द डॉग है तो द हमारे पास मॉडिफायर है क्योंकि वो डिटर्मिनर है और वो मॉडिफाई कर रहा है डॉग को, और डॉग हमारे पास न्यूक्लियस होगा, डॉग हमारे पास हेड होगा क्योंकि डॉग नाउन है। तो ये फिर हम क्या कहेंगे, ये कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज। अगर हम कहें रैन अवे, तो रैन हमारे पास वर्ब होगा जो कि हेड के तौर पे काम करेगा। तो रैन क्या है, रैन एक हेड ऑफ फ्रेज है जो ये बताएगा कि ये वर्ब फ्रेज है। फिर थर्ड पे फ्रेज का पार्ट आ जाता है सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि मॉडिफायर और न्यूक्लियस यानी डिटर्मिनर और न्यूक्लियस को निकाल, जो बाकी इन्फॉर्मेशन रह जाती है वो सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन है। सिंटैक्स की बाकी जितना भी कैटेगरीज हैं उसके रिलेशनशिप्स दूसरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक के साथ, मॉर्फोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है उसका, उसके बाद सिमेंटिक्स के साथ, उसके बाद फोनोलॉजी के साथ, फोनेटिक्स के साथ, डिस्कोर्स के साथ, हम उसको पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सिंटैक्स के कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हमने इंट्रोडक्शन लिया है सिंटैक्स का कि सिंटैक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।